वर्ष पुराना इस मंदिर का इतिहास है और कहीं ना कहीं निरंतर यहाँ पर रामायण का पाठ होता रहता है। देख सकते हैं निरंतर रामायण का पाठ होता हुआ यहाँ पर। हम पहुँचे हैं श्री बालाजी दरबार बिनौरी में और काफ़ी मान्यता है यहाँ के मंदिर की, बिनौरी बालाजी के नाम से इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है और आपको लगातार लेकर चल रहे हैं। काफी प्राचीन मंदिर है। बालाजी के दर्शन करा रहे क्या नाम आपका? क्या नाम? संजय। हमारे साथ हैं बिनौरी बालाजी मंदिर के पंडित जी। पंडित जी, क्या मान्यता है यहाँ की, काफी फेमस है ये मंदिर? लगभग कितने साल पुराना है? 11 साल पहले का है और हजारों साल से ये मंदिर यहाँ ऐसी आस्था लोगों की बनी हुई है और आप देख सकते हैं लगभग हजारों साल पुराना मंदिर ये बताया जा रहा है, बिनौरी बालाजी मंदिर। और लाल सोट से जब आप गंगानगर की तरफ जाते हैं तो ये मंदिर पड़ता है और हम आपको दर्शन करा रहे हैं बिनौरी बालाजी के। क्या खास है इस मंदिर के बारे में? ये देखो, मेरे ख्याल से ये दूसरा स्थान होगा जो पिता पुत्र एक साथ है, हनुमान जी और उनके पुत्र मकरधज जी। अच्छा, तो ये बालाजी महाराज हैं? हाँ। और ये लेफ्ट हैंड में मकरधज जी हैं? अच्छा, यही इसकी खासियत है, बिनौरी की खासियत है। और काफी प्राचीन मंदिर है, लगभग हजारों साल पुराना बताते हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग हजारों वर्ष पुराना ये मंदिर है और यहाँ की मान्यता है, दूसरा मंदिर है ये भारतवर्ष का दूसरा ऐसा मंदिर है जहाँ पिता पुत्र एक साथ हैं, बालाजी के साथ मकरध्वज जी भी साथ में विराजे हुए हैं और इसीलिए शायद ये जो मंदिर है इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है और दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। जोड़ेंगे ऐसी अन्य ऐतिहासिक जगहों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।